ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो कृपया इस वीडियो के माध्यम से किसी को हेट ना करें, इसको एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखें। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आ गए आप थंबनेल देखकर, कोई बात नहीं, निराश मत होइए, या कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी देओल की मूवी का नाम था घायल। आज हम धरती के एक अजीब प्राणी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पायल। तो जिसको नहीं पता ये पागल जोन कौन है, तो मैं भी नहीं चाहता आपको ऐसे प्राणी के बारे में जानने की कुछ जरूरत भी है। अरे भाई बता दे। अच्छा ठीक है, यह टीचिंग की वीडियो, टैग की वीडियो, रोस्टिंग, और फिर जब इसको व्यू नहीं मिले तो इसने एक काम को बखूबी से किया। क्या? जिंदा इंसान को मार देना, और किसी आम इंसान को नहीं, चुन चुन कर बड़े बड़े यूट्यूबर की झूठी मरने की वीडियो बनाकर व्यू लेना, और फिर उसी वीडियो पे उनके फैन से गाली खाना, तो मानो इसकी आदत ही बन गई। इन सब के बाद भी दीदी इतना कॉन्फिडेंस लाती कहाँ से हो, मानो जैसे यह डिसलाइक नहीं लाइक है इसके लिए, और हर वीडियो के तो इनके कमेंट सेक्शन ऑफ होते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार तो चलो ठीक है, पर तेरा यहाँ कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तो दोस्तों दोस्तों बोलना बंद कर। अगर तेरा यहाँ कोई दोस्त होता तो इतना प्यार नहीं दिखाता जितना तेरे YouTube पे आके यहाँ अग्नि से परेशान है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो के थंबनेल में मैंने लिखा था कि आशीष चंचलानी अपना चैनल डिलीट कर दो। पता नहीं उन्होंने अपना चैनल अब तक डिलीट क्यों नहीं किया है। अगर कोई बोल रहा है तो अपना चैनल डिलीट कर दो ना यार। अगर मैं बोल रही हूँ कि अपना चैनल डिलीट करो तो करो ना। मैं बोल रही हूँ, मैं पायल जोन तुमसे बोल रही हूँ, अपना चैनल डिलीट करने के लिए करो। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तू कहे तो यूट्यूब छोड़ दूँ, तू कहे तो चैनल बंद कर दूँ। पायल तू एक बार यूट्यूब पे आगना तो बंद कर, तुझे गौरव जोन के साथ गुब्बारे में बंद करके गुब्बारा फोड़ दूँ। और अपने साथ साथ ये पीछे लगा गंदा बोर्ड भी लेते जाना, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता, इस पर बस आगे टाइटल लिखकर जो तू बोलती है वो तुझे भी नहीं पता होता। बस जल्दी से आके बक बक करके बड़े यूट्यूबर की मरने की झूठी वीडियो बना के व्यूज ले लेती हूँ। इनको क्या ही पता है, क्लिक बेट करके वीडियो पे व्यूज लेना तो कोई इससे सीखे। कभी बोले कि यूट्यूब कल मेरा चैनल डिलीट कर देगा, मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, मेरा लास्ट वीडियो, मेरे पापा कल मेरा चैनल डिलीट कर देंगे, मैं अपना चैनल डिलीट कर रही हूँ, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। यह सब देख के लगा चलो यूट्यूब पे कुछ तो शांति होएगी, पर नहीं, नेक्स्ट डे ये नई वीडियो के साथ ये फिर से आ जाती है। नमस्कार दोस्तों। हैं, ये क्या देख लिया बे? आई मेट कपिल शर्मा। भाई मारो मुझे, मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो भाई इसको लगता है दुनिया का सबसे ज्यादा सस्तो इसको ही पता है, इसके चैनल पे ही बोला जाता है। पहले तो इसने सबके चैनल बंद कराए, फिर इसने सबको एक्सपोज किया, और अब कंटेंट के नाम पे इसने मिस्टर इंडियन हैकर, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, टेक्नो गेमर्स और नोनू भाई, ट्रिगर्ड इंसान को भी मारना स्टार्ट कर दिया। इसको कंटेंट नहीं बोलते पायल, इसको यूट्यूब पे आके हगना बोलते हैं। तो आइए आपके लिए कुछ लिखा है। तारीफ के काबिल हम कहां, चर्चा तो आपकी चलती है। तारीफ के काबिल हम कहां, चर्चा तो आपकी चलती है। सब कुछ तो है आपके पास, बस सिंग और पूंछ की कमी है। ये है आम जिंदगी। अभी मैं बात करती हूँ सौरभ जोशी के बारे में। तो ये जो सौरभ जोशी का चैनल है, मुझे नहीं लगता कि ये अपने चैनल पे कोई भी एफर्ट्स डालते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अपने व्लॉग्स में थोड़ी भी मेहनत करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये है मेंटोस जिंदगी। जोशी इज प्लेइंग हिज कार्ड्स वेरी स्मार्टली और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। उनको पता है अपने व्लॉग्स में क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, उन्हें सब पता है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, डेफिनेटली डेली के व्लॉग्स डालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन और गाइस, ये तो कुछ भी नहीं, ये और देखिए। ये है आम जिंदगी। रिमोरा व्लॉग वारी जावा इज वर्स्ट। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये है मेंटोस जिंदगी। रिमोरा व्लॉग वारी जावा इज बेस्ट। पागल जोन का बवासीर बना दिए हो। मतलब बताओ, एकदम स्टार्टिंग में इन्होंने बिल्कुल झूठ दिखा दिया, थोड़ा सा भी सच क्यों दिखा दिया? मतलब कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस से जाके अपने पापा से बोल दे कि मेरे को कल एग्जाम नहीं देना? नहीं मतलब कोई कॉमन सेंस है या नहीं? ये गाना है कोई वेब सीरीज नहीं जो तुझे एक एक चीज दिखाएंगे। मेरे बस के नहीं आया रे सब। यहां बेटा क्या यार, बेटा ये सब हमारे पल्ले नहीं पड़ता, पर इस फील्ड में लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है पर कुछ हासिल नहीं होता। अगर तो इसके लिए तैयार है तो ठीक है।
मतलब यहाँ पे जो इस बच्चे के पापा हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ ये सब पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन अगर तू इसके लिए तैयार है तो ठीक है। मतलब यार अगर कोई बच्चा जाके ये बोलेगा कि मेरे को एक एग्जाम नहीं देना है कल का, तो उसके पापा उसके दो थप्पड़ मारेंगे। गाइस इसको फुल एक्सपीरियंस है पिटने का। जब इसके पापा इसका चैनल बंद कराने वाले थे क्योंकि इसके पापा को पता चल चुका था ये कंटेंट के नाम पे यूट्यूब पर आकर सिर्फ और सिर्फ हकती है, तो इसने अपने गालों का बलिदान दे के दो थप्पड़ खा के इसने अपने चैनल को बचाया था। भगवान पापा मान तो गए हैं पर इसमें फेल नहीं होऊंगा इसकी क्या गारंटी है। ओए यहाँ पे होती है कैरिमिनाटी की एंट्री। वाह भाई बहुत ही अच्छी एंट्री हुई है, क्या ही बोले। तो तू क्या चाहती थी, यहाँ दीवार वगैरह तोड़कर आए या सावधान इंडिया की तरह क्राइम स्पॉट पर दरवाजे के पीछे से आकर बोलता सावधान रहे सतर्क रहे मैं हूँ कैरी मिनाती। ये गाना है कोई मूवी नहीं जो यहाँ 15-20 गाड़ियाँ तोड़ के हीरो की एंट्री कराते हैं। मतलब देखो आर्टिक फॉक्स, मतलब ये जो गाना है इसको भी स्पॉन्सर किया है किसी ने, तो कैरी मिनाटी ने गाना बना लिया होगा कि चलो भाई कोई स्पॉन्सर कर ही रहा है तो बना देते हैं। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। सशक्त बक्से में बंद बड़े बड़े लगा उस पे संग और गंध, कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद। मतलब यार कितनी भारी भरकम लिरिक्स लिख रखी है ये। झूठ बोल रही है तू, तेरे लिरिक्स समझ में नहीं आई तो तू लिरिक्स बेकार बता देगी। एक्सप्रेशन वीडियो देनी जरूरी है, कम से कम एक्सप्रेशन वीडियो देने से पहले लिरिक्स पढ़कर तो आती, ये तो कुछ भी नहीं। रुको जरा सबर करो, ये खुद एक्सेप्ट करेगी लिरिक्स समझ नहीं आ रही। मेरे को मतलब भी नहीं समझ में आया, घिसट घिसट की घिसट घिसट पता नहीं क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहा है ये अपना बंदरिया जैसा मुंह बंद कर ले, और उसके नहीं लिरिक्स तेरे समझ में नहीं आ रही और तुझे समझ आएगा भी नहीं, तो जाकर पोगो देख। क्योंकि समझने के लिए दिमाग चाहिए जो कि तेरे अंदर नहीं है। पुलाव में जीरा है, पायल के दिमाग में कीड़ा है। मतलब यहाँ पे फिर से कैरी मिनाटी ने अपनी तारीफ कर दी कि इस बात की मेरी पूरी जिंदगी गवाही दे कि मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके इतना आगे आया हूँ, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। वो ही इस बारे में बता रहे हैं ना कि मैं इतना ज्यादा कामयाब हुआ हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। तो यहाँ पे भी उनका साफ साफ झलक रहा है कि कितने ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, कितना ज्यादा, मतलब यार कोई क्या बोलूं मैं, इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड कोई कैसे हो सकता है, हर एक गाने में अपनी ही तारीफ। अच्छा मतलब तेरे अकॉर्डिंग अपने बारे में बात ना करके तेरे बारे में बात करता, कोई तरीका है भीख मांगने का। और मुझे एक बात बता, यही तो बोलेगा जब मेहनत करी है तो कि मेहनत करके सक्सेस हुआ हूँ, या फिर ये बोलता मैं तो आराम से लेट रहा था, लेटे लेटे सक्सेस मिल गई। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और कम से कम तू तो ये बोली मत, तू क्या बोलेगी मैंने झूठी मरने की वीडियो बनाकर भरपूर मात्रा में गाली और व्यू खाए, क्योंकि जो तुझे मिल रहा है वो फेम नहीं हेट मिल रहा है। तो कृपया करके चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हो इधर ही मुंह खोलने की। और मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि मेरी हर एक वीडियो में सच्चाई हो, मैं कोई भी बात इधर उधर से झूठ ना बोलूं, मेरी सारी वीडियो सच्ची होती है, मुझे पता है वो। झूठ बोल रही है तू, मैं कोई झूठ नहीं कह रही, झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है, हर बार एक नया झूठ बोलती है। सो गाइस जब तक तो यही सुना था कि ये झूठ नहीं बहुत बहुत झूठ बोलती है, नागिन की तरह एक ही वीडियो में कौन सा रूप ले ले ये तो इसके फोन के कैमरे को भी नहीं पता होता। तो आइए देखते हैं इसने दुनिया का कौन सा सच बोल दिया। सो कल रात को कैरी मिनाटी का एक नया गाना आया था, मैंने वो गाना देखा नहीं। अच्छा तो मतलब ये थोड़ा एंडिंग आ गया है, तो एंड में ये होता है कि कैरी मिनाटी मतलब इसको अपनी जैकेट देके और फिर गायब हो जाते। अच्छा एक बात बता, तूने जब गाना नहीं देखा तुझे एंडिंग कैसे पता कि कैरी मिनाटी क्या करेगा क्या नहीं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दुआ करते हैं हम भगवान से कि वो तेरे जैसा और कोई वायरस ना बनाए, दुआ करते हैं हम भगवान से कि वो तेरे जैसा और कोई वायरस ना बनाए, एक तुझे तो हम झेल ही रहे हैं, कहीं दूसरा भी आके बची हुई जिंदगी बर्बाद ना कर जाए।
सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। गाइस चैनल पर जो पहली बार आया है या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब कर लो ना यार, किस बात का वेट कर रहे हो। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना वीडियो का फेवरेट पार्ट जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।